कैथल में आज यानी बुधवार को आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की यूनियन की महिलाओं ने सचिवालय में धरना दिया और प्रदर्शन किया, जहां सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। आंगनवाड़ी वर्कर नेताओं ने कहा कि सरकार आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर विभागों के अधिकारियों द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करने के लिए दबाव बना रही है और आदेश आया है कि मार्च 2021 से हमारा वेतन ऐप डाउनलोड करने और डाटा अपलोड करने से जुड़ा हुआ है। हम ऐसा नहीं करते तो हमारा वेतन रोक दिया जाएगा। उन्होंने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा से अपील की कि महिला एवं बाल विकास मंत्री होने के नाते आप हमारे राज्य में ICDS की स्थिति से अच्छी तरह परिचित हैं। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अभी तक विभाग से कोई मोबाइल फोन प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि हमें समय समय पर डेटा, फोटो आदि अपलोड करने के लिए निर्देशित किया गया था, फिर भी हमें डेटा पैक के लिए कोई भी भत्ता नहीं दिया गया है। प्रशिक्षण के मामले में भी ऐसा ही है। हमारे राज्य के कई हिस्सों में खराब व कहीं नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। मांग है जो यही है, अभी जो पोषण ट्रैक ऐप डाउनलोड करने के बारे में सरकार बार बार दबाव बना रही है, वो हम सहन नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ये डाउनलोड करवाना है तो हमें पहले फ़ोन दिया जाए और रिचार्ज करिए का भी पैसा खर्च दिया जाए। वैसे नहीं है कि वो कह दिया और वर्करें काम करने लग जाएंगे। हम ये नहीं कहते हम काम नहीं करेंगे, काम करेंगे, दिल से करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्होंने पहले हमें फ़ोन देना पड़ेगा और उसका रिचार्ज खर्चा देना पड़ेगा। और क्या मांग? और जो ये मानदेय के बारे में है, जो सरकार बार बार अखबार में निकाल रही है कि मानदेय दे दिया गया, खातों में डाल दिया गया, लेकिन हमारे पास कोई भी पैसा नहीं आया। वो जो मानदेय है बकाया ही है, अभी तक किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आया है, वो 6 महीने से बकाया है। अगर हमारी मांगे जल्दी नहीं मानी गई तो हम आज तो ये सांकेतिक धरना कर रहे हैं और हो सका तो हम लगातार धरना भी जारी कर सकते हैं। जो आज का प्रदर्शन है हमारा, जो मेन मुख्य मांग है वो हमारी पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर, जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी है उन्होंने सभी राज्य मंत्रियों को लेटर लिखा है कि सभी वर्करों के द्वारा फोन में ये पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करवाई जाए। जो भी वर्कर ये ऐप डाउनलोड नहीं करेगी उस वर्कर की सैलरी रोक ली जाए और जो उसके सेंटर में लाभार्थी हैं उनको राशन ना दिया जाए, उपलब्ध ना करवाया जाए। तो हम जो केंद्रीय मंत्री का लेटर है उसका बहिष्कार करते हैं। बिल्कुल हम ये काम करने से मना नहीं कर रहे, हम कहते हैं हम काम करेंगे, पोषण ट्रैकर ऐप भी डाउनलोड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें विभाग द्वारा सरकारी फ़ोन दिए जाएं और उसमें सरकारी रिचार्ज करवाया जाए और हमें उसकी ट्रेनिंग दी जाए। हम सभी काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तानाशाही से नहीं, प्यार से और समझदारी से काम करेंगे हम। हालांकि उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे भी इसी तरह धरने प्रदर्शन करेंगे और एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।